हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार और आज आगे हम पढ़ रहे हैं मौर्यन एम्पायर के किंग्स के बारे में। पहले हमने पढ़े सोर्सेज, फिर उसके बाद हमने देखा कि उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, कालक्रम क्या है, पहले कौन सा राजा है, बाद में कौन सा राजा है। तो उसमें से मैंने आपको पहले भी बताया कि कम से कम हम तीन ऐसे राजा के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से ये मौर्यन एम्पायर स्थापित हुआ और जिसकी वजह से इस मौर्य वंश का नाम जो दूर दूर तक रोशन हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हमें एक बात याद रखनी है कि बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो बार बार रिपीट होते रहेंगे। कभी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मौर्य वंश में आएगा और कभी चंद्रगुप्त का नाम गुप्त वंश में भी आएगा। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य लिखा आया तो वो किस वंश से है, मौर्य वंश से है, और अगर लिखा आता है चंद्रगुप्त अकेला तो वो गुप्त वंश से है, उसमें चंद्रगुप्त पहला भी आएगा। इस हिसाब से वहां पे हम देखेंगे कि अगर अकेला गुप्त लिखा है तो वो गुप्त काल के राजा हैं और अगर पीछे मौर्य लगा है तो वो मौर्य वंश के राजा हैं। तो नामों में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बहुत ही क्लियर है हमारे पास पहला राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो हुआ कैसे, इसका उत्थान कैसे हुआ? तो हम ये जानते हैं कि भारत पर आक्रमण किया सिकंदर ने, तो उसने पंजाब के ऊपर अधिकार कर लिया और बहुत सारे इलाके जीत लिए। जो सिकंदर था 327 BC में उसने लेके 325 तक बहुत सारा इलाका भारत का जीत लिया। फिर वो वापस चला गया, पीछे अपने अधिकारी छोड़ गया, वो वहाँ पे राज करने लगे यहाँ भारत पे, और खुद सिकंदर की मृत्यु होगी 323 BC में। उसके बाद उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को इकट्ठा कर दिया था इतने इलाकों को जीत के। फिर भारत में उस समय उन सारे इकट्ठे किए हुए इलाकों को जीतना बहुत ही आसान था। तो उस वक्त किसका उत्थान हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का। यह भी माना गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से भी मिला था, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो नाम है वो अलग अलग बताए गए हैं, स्ट्रैबो, एरियन एंड जस्टिन। कुछ ऐसे इतिहासकार हैं, यूनानी हैं, जो दूसरे देशों के इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि इसको सैंड्रोकोटस भी कहा गया है। किसको? चंद्रगुप्त को, ठीक है। मुद्रा राक्ष में इसे चंद्रश्री और वर्षिप भी कहा गया है, चंद्रश्री भी कहा गया है। और जो हमारे पास जूनागढ़ अभिलेख है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये इसके नामों के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा राजा है जिसके जन्म के बारे में भी कहानियां हैं, नाम के बारे में तो कहानियां हैं ही। तो ये माना गया है इसके जो पिता हैं शायद किसी मौर्य नगर के राजा थे, युद्ध हुआ, युद्ध में वो हार गए, उनको मार दिया गया, उनके परिवार के ऊपर हमला हुआ, तो माता गर्भवती थी तो वो अपना घर छोड़ के पुरुषपुर चली गई। पुरुषपुर में वो अपने भाई के पास रही, वहाँ उनके घर पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र को बचाने की खातर किसी ग्वाले को दे दिया, ग्वाले ने वो आगे किसी शिकारी को दे दिया। तो चंद्रगुप्त का जो जीवन है, बचपन जो है, वो बहुत स्ट्रगल वाला रहा है। ये माना गया है कि राजा का पुत्र होने के बावजूद भी वो जंगलों में उसका पालन पोषण हुआ है, तो शिकारी के पास रहा है, जंगलों में पालन पोषण हुआ है। तो बचपन से ही, क्योंकि वो राजा का पुत्र था तो उसके अंदर जो भावनाएं थी वो राजा जैसी ही थी। जंगलों में वो खेलता था, शिकार करता था और अपनी छोटी सी टुकड़ी बना के सेना की वो उनके साथ युद्ध करने का अभियान करता था। तो ये भी माना गया है कि वो शायद उसका जन्म 345 BC में माना गया है, तो चंद्रगुप्त का। तो ये किसी ने तो ये भी कहा है कि वो मौर्य वंश की थी, निमन घराने की थी। तो अलग अलग विचार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले हम अकॉर्डिंग टू ग्रंथों पे डिपेंड करते थे। जैनियों ने इसके बारे में कुछ और कहा है, बौद्धियों ने कुछ और कहा है। जो धर्म ये बताना चाहता था कि ये व्यक्ति हमारे धर्म का व्यक्ति है तो उस हिसाब से वो उसको बयान करते थे। जैसे जैन धर्म वाले ये बताना चाहते थे कि उन्होंने निमन जाति के लोगों को भी अपने पास रखा है, तो कई जगह पे उसे क्षत्रिय बताया गया है, कई जगह पे निमन जाति का बताया गया है। तो हमने हमेशा एक पुख्ता विचार उठाना होता है, तो वो हमारे पास यही है कि उसके पिता जो थे वो मौर्य नगर के राजा थे और लोगों के हमले से बचने के लिए माता पुरुषपुर गई और वहाँ इसका जन्म हुआ। और उसके बाद ये माना गया है कि जब वो 8-9 साल के थे और जंगल में खेल रहे थे तब उनकी मुलाकात हुई कौटिल्य से। कौटिल्य कौन है, मैंने आपको पहले भी बताया, अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा गया है। तो मौर्य साम्राज्य का ज्यादातर इतिहास हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है, हालांकि अर्थशास्त्र में कहीं भी मौर्य राजा का नाम नहीं है या मौर्य वंश का नाम नहीं है, लेकिन राज्य कैसे चलाना है ये सारा बताया गया है। तो ये माना गया है कि कौटिल्य, अब कौटिल्य ने इसको क्यों खरीदा, कैसे खरीदा, ये भी एक कहानी है। तो वो एक ब्राह्मण था, वो उच्च कोटि का ब्राह्मण था,
लेकिन दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं था। तो नंद वंश के राजा ने एक दान सभा बुलाई और ये बोल दिया कि सबसे ऊंचा सिंहासन पे वो बैठ जाए जो ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। तो वहाँ पे मौजूद सभी ब्राह्मणों को पता था हम सबसे श्रेष्ठ कौन है, चाणक्य है। तो उन्होंने चाणक्य को ऑफर किया कि वो बैठे वहाँ पे। तो जैसे ही राजा आया, राजा को गुस्सा आ गया देख के, वो कहता है कि इतना कुरूप व्यक्ति कैसे यहाँ पे बैठ सकता है। ब्राह्मणों के बारे में तो हमेशा सुना है कि वो दिखने में सुंदर होते हैं और ज्ञानवान होते हैं। तो राजा ने बिना पूछे ही उसको राजमहल से निकाल दिया, ये देखा ही नहीं कि उसके पास ज्ञान कितना है। तो चाणक्य को बहुत गुस्सा आया और उसने ये फैसला कर लिया कि वो आने वाले समय में नंद वंश को ख़त्म कर देगा। तो रास्ते में जाते हुए जब वो जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था, वो उसने वहाँ पे चंद्रगुप्त को खेलते हुए देखा। ऐसे उसने एक सेना बना रखी है छोटी सी साथियों की और वो युद्ध करने का अभ्यास कर रहा है। तो चाणक्य को लगा कि यही वो व्यक्ति है जो नंद वंश से उसका बदला लेगा। तो उसने ये फैसला किया कि वो इसको अपने साथ ले जाएगा और युद्ध कला सिखाएगा, राजा बनना सिखाएगा। और फिर वो उसने ऐसा ही किया, तो वो उसको साथ ले गया और वहाँ पे उसने, उस वक्त चाणक्य ने इनको खरीदा कुछ पन दे के, उस दौरान 1000 पन दे के उसने इसको खरीदा। तो फिर उसके बाद उसको हर तरह की एजुकेशन दी, हर तरह की शिक्षा दी, शिक्षा देने के बाद इतना ट्रेंड कर दिया कि वो एक अच्छा राजा बन सके। तो ये भी माना गया है कि शायद नंद वंश से खुद चंद्रगुप्त भी बदला लेना चाहता था। ये माना गया है कि जब वो बड़ा हुआ उसने नंद वंश में राजा के पास नौकरी कर ली, राजा से कुछ उसका झगड़ा हो गया और राजा ने इसको वहाँ से निकाल दिया और राजा ने, उस वक्त चंद्रगुप्त ने ये फैसला लिया कि वो इस वंश से बदला लेगा। तो शायद दोनों के ही विचार थे कि नंद वंश को ख़त्म करना है, इसलिए दोनों मिल गए और मगध के नंद वंश को ख़त्म करने का फैसला किया। उसके बाद हमारे पास आता है सिकंदर के साथ भी मिला चंद्रगुप्त मौर्य। ये माना गया है कि वो अलेक्जेंडर जब भारत आया तो शायद चंद्रगुप्त ने ही उसको कहा कि मगध पे हमला करे। तो ये कहानियां हैं, इनके बीच में हमारे पास कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ये माना गया है कि वो शायद सिकंदर से भी मिला था। फिर आती हैं उसकी विजय, जो उसने विजय प्राप्त की है। तो सबसे पहले ये वैसे यहाँ पे भी दो विचार हैं, कहीं कहते हैं कि पहले मगध पे हमला किया, कहीं कहते हैं पंजाब पे किया। तो हम दोनों ही लड़ाइयाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पंजाब को पहले नंबर पे पढ़ते हैं। तो उसने पंजाब पे हमला किया है, 323 से लेके 321 BC तक उसने पूरे पंजाब पे अधिकार कर लिया था। ये माना गया है कि जब सिकंदर छोड़ के गया भारत तो उसके बाद उसके इलाके को फिलिप ने संभाल रखा था। तो 325 में फिलिप का कत्ल कर दिया गया और उसके बाद चंद्रगुप्त ने वहाँ पे अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने मगध के ऊपर हमला किया। मगध में उस वक्त नंद वंश का राज था, तो नंद राजा के पास 2,00,000 पैदल सेना, 20,000 घुड़सेना, 2,000 रथ सेना और 3,000 हाथी सेना थी। और चंद्रगुप्त के बारे में ये बताया है, पलिनी ने चंद्रगुप्त के पास 6,00,000 की पैदल सेना, 30,000 की उसके पास घुड़सेना, 9,000 हाथी और 8,000 उसके पास रथ सेना थी। तो रथ सेना इतनी बड़ी और पैदल सेना 6,00,000, इतनी बड़ी सेना के साथ जब उसने मगध पे हमला किया तो उसने बड़ी आसानी से मगध को जीत लिया। ये माना गया है कि चंद्रगुप्त का उस वक्त साथ देने वाला जो राजा था उसका नाम था परवर्तक। तो इस युद्ध में परवर्तक मारा गया और साथ में जो नंद वंश का राजा था उसका नाम था धन्नानंद, वो भी इस युद्ध में मारा गया। और ये भी माना गया है कि चंद्रगुप्त ने पूरे नंद वंश को ख़त्म कर दिया, एक व्यक्ति बचा था जो जंगल में चला गया, बाद में उसे भी ढूंढ के मार दिया गया। तो इतना बड़ा कत्लेआम जो है नंद वंश का इसमें ही बताया गया है। और ये माना गया है कि उसके बाद चंद्रगुप्त ने 321 में अपना राज्याभिषेक किया, राजा बन के वो गद्दी पे बैठा और उसके बाद उसने और भी कई सारी विजय प्राप्त की, जैसे कि उसने सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस जो कि उस वक्त पंजाब पे हमला करने वाला था, भारत पे हमला कर रहा था और एक यूनानी था, 305 में उसे हराया। तो सेल्यूकस ने उसे काबुल, कंधार, हिरात और बलूचिस्तान का इलाका दिया और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया और साथ में उसने एक राजदूत चंद्रगुप्त को दिया जिसका नाम था मैक्सनीज। तो मैक्सनीज हमने पढ़ा है, जिसने इंडिका लिखी है, ये उसको उपहार के तौर पे मिला क्योंकि सेल्यूकस चंद्रगुप्त से हार गया था। और चंद्रगुप्त ने उसको 500 हाथी दिए एक फ्रेंडशिप के तौर पर। फिर उसने वेस्ट और साउथ में भी बहुत सारी विजय प्राप्त की। तो उसका इलाका जो नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में मैसूर तक, ईस्ट में बंगाल से लेके नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश पर्वत और वेस्ट में अरब सागर तक फैल गया। उसके बाद आती है उसकी मृत्यु।
298 में उसकी मृत्यु हो गई BC में। ये माना गया है अंत में उसने जैन धर्म को अपना लिया और जैन धर्म अपनाने के बाद उसने भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया और गुरु बनाने के बाद वो जंगलों में चला गया। भद्रबाहु की पहले मृत्यु हो गई और बाद में श्रवणबेल गोला में जंगलों में जाकर उसने खूब तपस्या की। अंतिम समय तक वो अपने शरीर को कष्ट देता रहा, भूखे रहकर उसने जैन धर्म को अपनाकर अपने शरीर को त्याग दिया और अपनी गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी। तो अभी हम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अब नेक्स्ट हम उसके पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो एक महान राजा था जिसने चाणक्य की सहायता से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और सबसे बड़ी बात उसने एक ऐसे भारत की स्थापना की जो पहले टुकड़ों में बंटा हुआ था, तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो सारी जानकारी है वो माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली मिलती है कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है, जो बौद्धिक ग्रंथों में है या जैन ग्रंथों में ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी हैं जिससे हमने उसमें से कुछ इतिहास को बाहर निकाल लिया। तो मैंने पहले भी बताया कि जो एशियंट इंडिया है उसमें सारा इतिहास हमें इकट्ठा करना पड़ा क्योंकि किसी राजा का ये शौक ही नहीं था कि वो इतिहास को लिखवाए। तो उस वक्त तो शायद अपनी प्रशंसा में ही कहानियाँ लिखवाई जाती थी जिसमें से हमने इतिहास इकट्ठा किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा, एक महान राज्य की स्थापना करने के बाद जंगलों में चला जाता है, तपस्या करता है, जैन धर्म को अपनाता है और वहीं अपने शरीर का त्याग करता है और अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप जाता है। तो उसकी मृत्यु के बाद या उसके राज्य को छोड़ जाने के बाद गद्दी पे बैठता है बिंदुसार। तो हम उसके पुत्र या मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे इतिहास में इसको इतना महत्व नहीं दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को ही महत्व दिया जाता है, लेकिन हम एक महान शासक के महान पिता के बारे में जरूर पढ़ेंगे क्योंकि अशोक बहुत महान शासक रहा है, तो उसके पिता के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बिंदुसार का समय है 298 से 273 BC तक। तो बिंदुसार के बारे में भी हमें जानकारी जैनी ग्रंथों से या पुराणों से मिलती है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये कहा गया उसने अंत में जैन धर्म अपना लिया, तो जैन ग्रंथों में ये जानकारी ज़्यादा मिलती है। तो पुराण और जैन ग्रंथ और इसके अलावा बौद्धिक ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है। तो बुद्धिज्म और पुराणों के अकॉर्डिंगली उसका नाम था बिंदुसार। वायु पुराण में उसे भद्रसार भी कहा गया है और जैनी ग्रंथों में भी उसे बिंदुसार के नाम से जाना गया है। ये माना गया है उसकी माता का नाम था दुर्धरा। जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम दुर्धरा लिखा है और इसके अलावा इंडिका में जो मैगस्थनीस की इंडिका है उसमें उसका नाम नंदिनी लिखा है। तो ये अलग अलग विचार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उस वक्त लिख रहा है, जो उसके दिमाग में आ रहा है, जो वो उस समय देख रहा है राज्य में, उसके अकॉर्डिंग लिखता है लेकिन मेंशन नहीं करता है कि वो दुर्धरा का नाम क्यों आ रहा है या नंदिनी का नाम क्यों आ रहा है। तो उन्होंने सिर्फ अपना ही साहित्य लिखने की तरफ ध्यान दिया। पत्नी के बारे में ये कहा गया है उसका नाम धम्मा भी माना गया है महावंश के अकॉर्डिंगली और दिव्य बदान में उसकी पत्नी का नाम शुभदरंगी भी माना गया है। तो अलग अलग नाम माने गए हैं। यहाँ तक ये भी माना गया है कि बिंदुसार की 16 रानियाँ थी और ये बहुत ज़्यादा रानियाँ मानी गई हैं। तो 16 रानियों में से उसे 101 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। तो ये 101 पुत्र के अलावा हमने इससे पहले 100 पुत्रों की बात महाभारत में पढ़ी है, कौरव 100 भाई थे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 101 हैं। तो ये जानकारी भी हमें उन कथाओं से मिलती है जहाँ पे ये जिक्र किया गया है कि अशोक ने अपने 6 भाइयों का कत्ल किया, कई जगह पे लिखा है उसने अपने 99 ब्रदर्स का कत्ल किया। तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितने भाई थे, क्योंकि अशोक खुद और एक भाई उसने छोड़ दिया जो सबसे छोटा था और 99 यानी 101 भाई थे। तो ये माना गया है कि जो सबसे बड़ा था वो सुषीम था और सबसे छोटा था वो तिष्या था, तो तिष्या का उसने कत्ल नहीं किया। ये भी माना गया है कि अशोक और तिष्या सेम एक ही माता के पुत्र थे, तो सगे भाई थे। और ये माना गया है सबसे जो प्रसिद्ध राजा हुआ है वो मौर्य वंश में अशोक हुआ है। और देखें ये सबसे बड़ा उसको फायदा क्या होता है बिंदुसार को, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौन करता है, चाणक्य। चाणक्य वो है जो कौटिल्य जिसने अर्थशास्त्र लिखा और ये माना गया है कि उसने राजनीति का उसे इतना ज्ञान था, तो इसको भी बिंदुसार को भी प्रतापी सम्राट बनाने वाला कौन है, चाणक्य माना गया है। तो प्रधानमंत्री उसे चाणक्य ही मिला क्योंकि
काफ़ी समय बाद, जैसे भद्रबाहु की मृत्यु के बाद काफ़ी समय बाद चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई, इसी तरह चंद्रगुप्त की काफ़ी समय बाद मृत्यु हुई है चाणक्य की। तो प्रधानमंत्री चाणक्य ही था और उसने एक बड़े और विशाल साम्राज्य को मेंटेन करने में बिंदुसार की बहुत सहायता की। कई जगह पर यह लिखा बिंदुसार को शायद कोई युद्ध नहीं करना पड़ा, उसे एक बना बनाए साम्राज्य मिला है, लेकिन कई जगह पर लिखा है उसने कुछ लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। तो ये है हमारे पास कॉन्केस्ट ऑफ साउथ, उसने दक्षिणी भारत पे भी हमले किए। शायद उसके पिता ने जो साम्राज्य जीता हुआ था, अब वहाँ पे क्या होना शुरू हो गया कि उस जगह पे विद्रोह होने शुरू हो गए, तो जो उसने साम्राज्य जीते हुए थे जैसे दक्षिणी भारत में, तो उसने वहाँ पे दोबारा से मेंटेनेंस किया कि कहीं ये इलाके उसके हाथ से न निकल जाए। तो ये बातें हमें उन ग्रंथों से पता चलती हैं जहाँ पे बार बार बिंदुसार का जिक्र हुआ है, और उसने तक्षशिला में अपने बड़े पुत्र को गवर्नर बना के रखा हुआ था। तो तक्षशिला का शासक था, क्योंकि राजा तो एक ही जगह पे रहेगा ना, तब वहाँ पे कौन सा ये एरोप्लेन थे या गाड़ियाँ थी कि एक में कुछ चंद घंटों में वहाँ पहुँच जाएँ, तो घोड़ों पे ही सफ़र करना पड़ता था, और राजा तो हाथियों पे सफ़र करते थे, रथों पे सफ़र करते थे, तो दूर दूर के इलाकों में वो अपने पुत्रों को शासक बना देते थे। तो तक्षशिला का शासक बना रखा था सुषीम, जो उसका बड़ा पुत्र था। उज्जैन का शासक था अशोक, अशोक ने उज्जैन को अच्छे तरीके से संभाल रखा था, लेकिन तक्षशिला में विद्रोह हो गया, और सुषीम वो व्यक्ति है जो अपने पिता का राज्य प्राप्त करना चाहता था, तो सुषीम से वो विद्रोह दबाया ना गया। उस वक्त बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा, तो अशोक ने बड़ी आसानी से तक्षशिला में उस विद्रोह को शांत कर दिया। सुषीम को उसी वक्त लगना शुरू हो गया कि कहीं ऐसा ना हो अब उसका पिता अशोक को गद्दी दे दे। सुषीम अपने आप को सबसे ताकतवर समझता था और ये सारा साम्राज्य संभालना चाहता था, लेकिन अशोक के इस काम से उसका पिता उससे बहुत खुश हो गया और उसे लगा कि शायद मेरे बाद अशोक ही गद्दी संभाल सकता है। तो ये कहानियाँ हम मनगढ़ंत बना लें या किसी से सुन लें, ये सब कहानियों में ही चलता रहेगा। तो तक्षशिला में उसने विद्रोह को शांत किया, तो उसका पिता बहुत खुश हुआ, और उसके बाद ये भी माना गया है कि जो बिंदुसार है उसने विदेशों से भी अच्छे संबंध स्थापित करके रखे। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, उसने सेल्यूकस से युद्ध किया, उसको हरा दिया, बहुत सारे इलाके मिले जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में थे, और उसके बाद उसने एक राजदूत भी बुलाया था भारत में मैक्सनीज, जिसने बुक लिखी इंडिका, जिसमें मैक्सिमम हमें लिटरेचर पता चलता है, हमारा इतिहास पता चलता है, उसने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं। तो उस वक्त बिंदुसार को भी ये बहुत, वो बहुत शौकीन था, उसने एक्चुअल में उसने जो फॉरेन रिलेशन रखे हैं वो सिर्फ आदान प्रदान के लिए रखे हैं, चीज़ें मंगवाने के लिए, तो उसने कोई युद्ध या हमले नहीं किए, उसने अच्छे संबंध बना के रखे। उस वक्त जो हमारा यूनानी राजा है वो है एंटोकस पहला, सीरिया का राजा। तो सेल्यूकस की मृत्यु के बाद ये गद्दी पे बैठा है एंटोकस पहला, और उससे बिंदुसार मांगता है, कहता है कि मुझे शराब, अंजीर की शराब और एक सुअर भेजे, और साथ में एक दार्शनिक भी भेजे, विद्वान। तो ये माना गया है कि राजा कहता है कि आपको शराब भी मिल जाएगी, सुअर भी मिल जाएगा, लेकिन इंसान का व्यापार हम नहीं करते। तो उन्होंने किसी भी दार्शनिक को भेजने से इनकार कर दिया। तो जब आप बुक्स पढ़ोगे वहाँ पर लिखा होगा शराब मांगी अंगूर मांगे, या शराब मांगी अंजीर मांगी, तो अलग अलग जगह पे मैंने बताया कि बहुत पढ़ लो इतिहास, प्राचीन भारत को जितना पढ़ लो उतनी बातें हैं, कितनी बातों को हम एक छोटे से लेक्चर में बता सकते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन अंत में कंक्लूड करना पड़ता है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या ये टाइम पीरियड सही है, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि यही है, हमने कंक्लूड करके बताना है कि अंदाजन, जिस समय को लिखा ही नहीं गया उसका हम अंदाज़ा लगाएंगे, तो ये उसका टाइम पीरियड है। ऐसे ही अंदाजन हम समझते हैं कि अंजीर की शराब मंगवाई, अंगूर की शराब और सुअर मंगवाया, तो ये दो चीज़ें तो उसने भेज दी राजा ने, लेकिन उसने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। लेकिन हाँ, भारत का चक्कर लगाने के लिए राजदूत को भेजा जो है डायमैक्स। तो डायमैक्स का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जैसे मैक्सनीज आया उसके बाद कौन आया, डायमैक्स आया। एक और बात बताई गई है कि एक और नाम आता है हमारे पास डायनोसिस, कई लोग तो कह देते हैं कि ये सेम ही है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो उस वक्त इजिप्ट यानी कि मिस्र का जो राजा था फिलडेल्फस, उसने अपना राजदूत भारत भेजा पाटलिपुत्र में, जिसका नाम था डायनोसिस, और ये बात हमें पेलनी बताता है, ठीक है। उसने उसके अकॉर्डिंगली उसके इतिहास ने जो लिखा है लिटरेचर, या उसने साहित्य या उसने इतिहास लिखा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि दूसरा जो राजदूत उस वक्त भारत आया वो ये था। तो बिंदुसार का ज़्यादातर
विदेशों से जो संबंध थे वो आदान प्रदान में चलते रहे, चीज़ें भेजते थे और मंगवाते थे। उसकी सेना कितनी थी, उसने कितने युद्ध किए, किस तरह से उसने राज्य प्रबंध किया, ये ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती। लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि बिंदुसार को एक बना बनाया राज्य मिला अपने पिता से और उसको संभाल के रखना बहुत बड़ी बात थी। तो जो उसके पिता ने एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स किए, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, जो उसने पूरे भारत को इकट्ठा किया, वो सब कंटिन्यूसली बिंदुसार ने वैसा ही किया। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, वो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो चंद्रगुप्त मौर्य का होगा, वही बिंदुसार का हम पढ़ेंगे, लेकिन अशोक के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो जो मौर्य साम्राज्य में पहले दो राजा हैं, वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। और बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 BC में। अब यहाँ पे भी डाउट आ जाएगा, तो फिर आप पूछेंगे कि यहाँ पे कहीं 69 लिखा है, कहीं 72 लिखा है, 73 लिखा है। तो अंदाजन हमने एक फाइनली आउटपुट निकाली है, तो उससे 73 मिलता है। ये माना गया है क्योंकि 101 पुत्र थे, तो गद्दी के लिए झगड़ा भी होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति सोचता है ये गद्दी मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो अंत वाले समय में पुत्रों में झगड़े होने शुरू हो गए। तो अंत का समय उसका अच्छा नहीं था, उसने सारी जिंदगी बहुत अच्छा शासन प्रबंध भी बना के रखा और एक अच्छे राजे की तरह उसने राज किया, लेकिन फिर पुत्रों में झगड़े हो गए, गद्दी के लिए झगड़े हो रहे हैं। तो उसके जीते जी ही वो झगड़े शुरू हो गए, लेकिन फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद ये माना गया है कि 4 साल तक उसके पुत्र आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं गद्दी प्राप्त करने के लिए, युद्ध चलते हैं, और 269 में फाइनली उसका पुत्र अशोक पाटलिपुत्र का राजा बन के मौर्य वंश को आगे बढ़ाता है। तो जो ये दो राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, इसका शासन प्रबंध हम अलग से पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी उन्होंने सेना बनाई है, या उन्होंने सेंट्रल में कैसा प्रबंध बनाया है, स्टेट में कैसा बनाया है, या उनका न्याय कैसा था, तो जो अशोक है उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और बेस बताते हैं कि कैसे भारत इकट्ठा हुआ, कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ राज एक विशाल साम्राज्य बन गया, और किस तरह से राजा के मंत्रियों ने एक अच्छा शासन प्रबंध स्थापित किया। थैंक यू सो मच।